सर कि हम सोए हुए थे गहरा नींद में, उधर से इतना तेज से दरवाजा खटखटाने लगता है कि मेरा कोई अपना आदमी आया है। तो हमको दरवाजा खोले, दरवाजा खोल के फिर बोले कि मलकिनी जी से जो कुछ है पैसा वैसा दे दीजिए, खाली दरवाजे में है, खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए। तो हम सोचे कि 10 रुपया तो हम निकाल के देने लगे। तो 10 रुपया देने गए तो बोले कि 10 रुपया इतना सुन भीख मांगने आए हैं, 10 रुपया दे रहे हैं। उसके बाद हम सोचे कि 50 रुपया दे देते हैं, तो 50 रुपया भी देने तो उसको मन नहीं भरा। तो बोले कि देख आपके घर में क्या क्या चीज़ है, आप ऐसे हैं 12-17 है, आपके पति बहुत दुखित रहते हैं, बेटा है, बहुत तरह का विपत आते रहता है, बनना सोचते हैं कुछ हो जाता है कुछ, इसलिए तो हम सोच उसमें हम आश्वस्त में पड़ गए कि सही बात है कुछ बोल रहे हैं। तो फिर बोले कि कितना पैसा है आपके घर में, छुपाइएगा नहीं, सही सही बोलिए कितना जेवर जेठिया है सब बताइए, सब हम निकाल के दिए, बताएं कि इतना ही चीज़ है। ऐसा ऐसा हमको मतिये भ्रष्ट किए कि जो बोल रहा था उसी में हमको उसी के बात में हम आ गए हैं। फोन करने का मौका भी नहीं दिए कहीं, नहीं फोन नहीं करो, किसी को बताओ नहीं अगल बगल। हम क्या क्या चीज ले गया? मेरा सारा जेवर था, करगल गला का चैन, गला का सेट और झुमका, और कितना का लागत गया? लागत मेरा कम से कम तो 4 लाख का संपत्ति। क्या नाम है आपका? और कुछ नगद 5,000 रुपया नगद। क्या नाम है आपका? प्रतिमा कुमारी। आपके पति का नाम? विनय कुमार। क्या करते पति? ये है कि एक साधु आया संत, काला पगड़ी बांधे हुए उजला लिबास में, और दरवाजा कस के ढकढकाया, इतना जोर से ढकढकाया कि लगा कि जरा टूट जाएगा दरवाजा। तो मेरी वाइफ आई, उठ करके दरवाजा खोली, खाना मांगा, सबसे पहले खाना दी, खाना देने के बाद बोला कि कुछ तो भिक्षा दे दो, दान वगैरह कर दो। 10-20 रुपया देने लगी तो फेंक दिया उन्होंने, तो उसके बाद जो है कि 50 रुपया भी दिया तो नहीं लिया। तो उसके बाद बोला कि सर जितना जेवर जठिया है पैसा कौड़ी है, सीधा ही समझ करके मत्ती मार करके मेरी पत्नी को सारा जेवर जठिया निकलवा लिया। बोला कि इससे दोगुना हो जाएगा, इससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, बेटा मर जाएगा, भतार मर जाएगा, आपका नहीं करोगी तो कोई संपत्ति बनाया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए दिग्भ्रमित होकर के वो अपने मती में जाल में फंसा करके इसको सारा जेवर जठिया जो है कि लेकर के चंपत हो गया, और कागज के पुड़िया में जो है रुद्राक्ष और जंत्र कुछ मिला करके इसको दे दी कि इसको रख दो, फलना जगह 5 दिन में जो है कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, 5 दिन तक नहीं खोलना, किसी को मत करना, ये करना वो करना, और जो है कि खोलो कि 5 दिन के पहले तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा, भतार मर जाएगा, इस तरह करके जो है कि चंपत हो गया। लेकर घर में हुआ है कि और किसी मेरे घर में हुआ है? सबसे पहले तो देवनारायण ड्राइवर स्वास्थ्य विभाग का है, उसके घर में भी गया लेकिन वहां से 50 रुपया लेकर के लौटा। उसके बाद डॉक्टर अजय कुमार के यहाँ गया, उसके यहाँ भी जो है कि बुद्धि धर्मित करने का कोशिश किया लेकिन उन्होंने नहीं लगाया, किसी आदमी के थ्रू पैसा उसको 3500 रुपया दे दिए। उसके बाद वहां से आए तो हमारे सामने में है अनुज कुमार, DRDA का स्टाफ है, अब इसी दला में पोस्टेड है, उनके यहाँ भी कोई नहीं था, एक लेडीज थी उनकी वाइफ खाली, उनसे भी बहुत डराया धमकाया कि तुमको दरवाजा खोलो, हम दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे पास चलेंगे, खजाना देखेंगे, तुम्हारे पास पैसा है नहीं है हम निकाल लेंगे तुम्हारे यहाँ से, जब तुमको जो है कि ऐसा ले दिया कि नहीं इसके नहीं 50 रुपया दे करके दरवाजा लगाने का सामान कितना का सामान मेरे यहाँ कम से कम 4 लाख रुपया का जेवर आप नगद लेकर के। क्या नाम हुआ आपका?